प्रशासनिक अधिकरण विधायक विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद भी पारित हो गए। राकेश सिंघा ने कहा, सरकार प्रदेश से आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल बंद करने के बजाय मंत्रियों विधायकों की सुख सुविधाओं में कमी करनी चाहिए थी। लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। यदि सरकार प्रदेश की आर्थिकी को बचाने की बात पर ट्रिब्यूनल बंद कर रही है तो सरकार को मंत्रियों और विधायकों की सुविधाएं और वेतन भत्ते कम करे। इस फैसले से न्यायालय पर बोझ पड़ेगा। सरकार ने ये नहीं भाई, थोड़ा और इसका परिणाम क्या होगा उसको ध्यान में रखते हुए आनंद फानंद में मोबाइल जो है वो उन्होंने ट्रिब्यूनल को एबोलिश कर दिया। जो ट्रिब्यूनल है वो कोई खतौना नहीं है, ये आज खुला कल बंद नहीं कर दिया। ये इंसाफ दे रहा था अपने लिए। थाउजेंड ऑफ पीपल हैड एक्सेस टू इट, और इस तरह से बंद करना ये बात है। ट्रिब्यूनल कोई आज नहीं बना, लंबे अरसे से चल रहा है और उसने उसने अपना अस्तित्व जो है वो कायम किया है। और इस हालत में अगर आप किसी एक छोटे से मसले की सुझाने के लिए तो ट्रिब्यूनल को बंद करना चाहते हैं तो समय में समझता हूँ कि ये करना चाहिए। 21,000 के आसपास ये उसको हाईकोर्ट ट्रांसफ़र करने के लिए लेके आए हैं और ट्रिब्यूनल भंग की तो नोटिफिकेशन भी हो चुकी है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये कर्मचारी विरोधी है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उनके किसी भी फैसले पे उंगली उठाई जाए। सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है, डिक्टेटर हो गई है। कर्मचारियों को बड़ा सुलभ न्याय जो है मिल रहा था, सस्ता न्याय मिल रहा था ट्रिब्यूनल में जाके, अब जो है हाईकोर्ट में जो है वो सुविधा उनको नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर पर जो कर्मचारियों को लगातार जो न्याय मिला, जो उनको स्टे मिली, उससे जो है जयराम सरकार जो है वो उसको तड़फन हुई। और एक तरफ तो उन्होंने इसके दो मेंबर भरने की प्रक्रिया शुरू कर रखी थी और उसमें मेंबरों का चयन भी हो गया, और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एकाएक ट्रिब्यूनल बंद कर दिया गया। हालांकि ट्रिब्यूनल जो है धर्मशाला भी जाता था और मंडी भी जाता था, सर्किट बेंच थे और लोगों को अपने स्थान पर न्याय मिल रहा था। और अब जो है हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट के पास पहले ही वे 40,000 मुकदमे हैं, उसमें 21,000 और ऐड हो जाएंगे, तो और कर्मचारियों को तो न्याय मिल ही नहीं पाएगा। इनका ये कहना है कि इन्होंने कर्मचारियों से पूछ के किया है, इनको इनके जो नज़दीक के कुछ लोग होंगे उनसे ये ज़रूर ऐसी बात करवाते होंगे, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में कर्मचारी जो है इसका विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। साहब ने जो यहाँ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मुख्यमंत्री साहब ने जवाब देते समय ये कहा कि इस ऑर्डिनेंस लाने से पहले सभी विधायक से वार्ता की है और अग्निहोत्री साहब ने कह दिया है ना कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक से वार्ता हुई है ना मेरे से हुई है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री ने जो ये बयान दिया है सही नहीं है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा एहसास हो रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो लोकतंत्र पर कम विश्वास कर रही है और ज़्यादा वो अथॉरिटेटिव हो रही है, तानाशाही की तरफ जा रही है। ऑर्डिनेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जब आपका सेशन चल रहा था। ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब सेशन तय नहीं होता है। जब सेशन तय हो गया था कि ये 19 तारीख से बैठेगा तो ऑर्डिनेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अभी भी हमारा ये है कि सरकार इस बात पर पुनर्विचार करे। ट्रिब्यूनल कर्मचारियों को न्याय दे रहा था और अब हाई कोर्ट में जो पूरी प्रक्रिया है बहुत महंगी हो जाएगी। क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।